हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए, मैंने व्रत के लिए ये साबूदानी की खिचड़ी बनाई है। बिल्कुल खिली खिली बनी है, बहुत पौष्टिक भी है, लाइट भी है, और इसके साथ में फ्रूट्स और दही भी सर्व किया है। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं, हमने इसको कैसे बनाया है। इसके लिए हमने एक बाउल साबूदाना लिया है, जिसको धो लिया है और इसको काफी कम पानी में भिगोया है, जिससे ये इसमें एक्स्ट्रा पानी ना रहे। अगर इसमें पानी ज्यादा होगा तो खिचड़ी गीली हो जाएगी। तो इसमें बहुत केवल उसके लेवल में ही पानी लिया है हमने, और इसको 4-5 घंटे के लिए भिगो देंगे। तो ये देखिए, 4-5 घंटे के बाद साबूदाना एकदम खिला खिला फूल गया है, और एक एक दाना इसका अलग भी है। इसे हम ऐसे हाथ से चेक कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऐसे मैश हो जाना चाहिए इस तरह से। तो ये अब साबूदाना इस तरह खिला खिला होगा तो खिचड़ी भी गीली नहीं होगी। और बाकी चीजें हम देख लेते हैं इसमें। ये कटा हुआ आलू है, कच्चा आलू है, ये क्यूब्स में काट लिया है देसी घी। ये मूंगफली, जिसके वो हल्का सा फ्राई कर लिया है, चाहे तो माइक्रोवेव में रोस्ट भी कर सकते हैं आप इसको, ड्राई रोस्ट। और ये हरी मिर्च एक छोटी काट ली है, कुटी लाल मिर्च, हरा धनिया, ये करी पत्ता, सेंधा नमक और जीरा और हींग है। ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम सेंधा नमक का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो आप वैसे ही अगर बनाते हैं तो आप सादा नमक यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही एक चम्मच कसी हुई अदरक भी ले ली है। अब ये कढ़ाई गैस पर रख ली है, गैस को ऑन कर रहे हैं और देसी घी डाला है इसमें। 2 छोटे चम्मच देसी घी हमने यूज किया है। गरम करेंगे इसे। घी गरम हो गया है, सबसे पहले 1/4 चम्मच हींग और 1/2 चम्मच जीरा डाला है। इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं। करी पत्ते को हमने हाथ से तोड़ लिया है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। और जो अदरक कस के रखी है ये भी डाल देंगे। अगर आप व्रत में इसको बना रहे हैं तो इसमें जो भी चीज आप ना खाते हो व्रत में, उसको आप स्किप कर दें। और अब इसमें ये कटे हुए आलू डाल रहे हैं, इनको गलाना है तो इसके लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे पहले इसमें। तो आपके हिसाब से 2 छोटे चम्मच नमक डाल दिया है। इसको चलाकर थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, जब तक ये पूरी तरह गल ना जाए। गैस को सिम कर दिया है, थोड़ा सा 1/2 चम्मच पानी डाल देते हैं, जिससे आलू जल्दी से गल जाएं, और फिर से ढक देते हैं इसको। आलू को चेक कर लेते हैं, 4-5 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से भून भी गए हैं और ये गल भी गए हैं। तो इस समय इसमें हम थोड़े से काजू डाल रहे हैं टुकड़े, थोड़ा सा रिच बनाने के लिए। इसको हल्का सा भून लेंगे साथ में, आलू के साथ ही भून रहे हैं। ये काजू भी 1/2 मिनट तक इनको भून लिया है। और इस समय 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हल्का सा मिक्स करके। और ये साबूदाना डाल देंगे। और साबूदाना डालने के बाद बहुत देर नहीं चलाना है, नहीं तो ये चिपकने लगता है। इसको थोड़ा सा मिक्स करके ही हटा लेना है हमें, क्योंकि गला हुआ है, बस थोड़ा सा इसको भून लेना है साबूदाने को। इसी के साथ मूंगफली डाल रहे हैं, जो अलग से रोस्ट की है। और ये हरा धनिया काट के रखा है, ये भी डालना है। देखिए कितनी खिली खिली खिचड़ी बनी है, ये बहुत टेस्टी भी है और ये अपने आप में पूरा एक मील है। आप चाहें तो पूरे दिन के व्रत के बाद इसको खा सकते हैं, पूरी और पराठे ना खाना चाहें अगर आप, तो ये इसको खा सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा नींबू डाल रहे हैं हम, नींबू से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। बहुत ही पौष्टिक खिचड़ी है, हल्की भी, लाइट भी है और फिलिंग भी है, जो जिससे आपको पेट भरा भरा लगेगा पूरे दिन के व्रत के बाद। अगर रात को हल्का खाना चाहें तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है।
देखिए खिचड़ी तैयार हो चुकी है, तो अब इसको सर्व कर लेते हैं। गैस को ऑफ कर दिया है। आप इस तरीके से जरूर बनाइएगा ये खिचड़ी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो ये लीजिए टेस्टी लाइट और बहुत फिलिंग वाली खिचड़ी तैयार है साबूदाने की, खिली खिली। इसे मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ। इसमें आप नमक या चीनी जो चाहे डाल सकते हैं, साथ ही अगर आप कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी फ्रूट्स आप व्रत में खाते हो, तो ये आपका एक पूरा एक मील तैयार हो जाएगा। और वैसे तो साबूदाने की खिचड़ी आप कभी भी बना के खा सकते हैं, पर व्रत में ये बहुत अच्छी रहती है खाने के लिए।